हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। इस वक्त यह बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि विश्वविद्यालय अगर चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। जी हां, बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े मामले पर कहा है कि विश्वविद्यालय अगर चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा लेना विश्वविद्यालय पर निर्भर है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर कोई विश्वविद्यालय चाहे तो ऐसा कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह कहा है, याचिकाकर्ता ने इग्नू समेत कुछ विश्वविद्यालयों की तरफ से परीक्षाएं आयोजित करने का मसला उठाया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र आयुष यशुदास की याचिका में कहा गया था कि तमाम विश्वविद्यालयों ने पहले और दूसरे साल की परीक्षाओं को रद्द कर अपने छात्रों को प्रमोट किया है, लेकिन इग्नू ने 22 जुलाई को जारी सर्कुलर में कहा है कि वह दिसंबर में परीक्षा लेगा। ऐसा करना न सिर्फ छात्रों के स्वास्थ्य को खतरे में डालेगा बल्कि उन्हें समानता के अधिकार से भी वंचित करेगा, क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य करने वाले यूजीसी के सर्कुलर को सही करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 6 जुलाई को जो सर्कुलर जारी हुआ वह यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर विश्वविद्यालय को उस सर्कुलर के मुताबिक 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा पूरी करनी होगी। कोई राज्य सरकार अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत परीक्षा टालने पर फैसला करती है तो वहां यूजीसी की सहमति से बाद में परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को डिग्री नहीं मिलेगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका आज उसी बेंच के सामने लगी जिसने अंतिम वर्ष की परीक्षा पर फैसला दिया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय चाहें तो प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।